हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं गाइस कि दुल्हन चादर को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से फ्लावर लगते हैं, कितना टाइम लगता है, उसका साइज़ क्या होता है, पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गाइस इसकी साइज़ के बारे में। तो ये जो स्टैंड देख रहे हैं वो बीट का बना हुआ है, जिसको कपड़े से कवरिंग की गई है। इसके बाद गाइस इसका साइज़ है 4x5 फीट का, और इसमें ये जो आप काटी देख रहे हैं, एक साइज़ के द्वारा काटी को ठोका जा रहा है ताकि जो बर्थी का जो साइज़ है वो बराबर आए। इसी के साथ गाइस इससे पूरे बराबर साइज़ में ठोका जा रहा है। इसके बाद गाइस इसी काटी के द्वारा हम रजनीगंधा को हैंगिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो रजनीगंधा को हैंगिंग कर रहे हैं। हैंगिंग करने के बाद इस रजनीगंधा से हम बर्फी काटेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट जो है पिन तार की सहायता से ये रजनीगंधा में बर्फी काट रहे हैं, और पिन तार का जो है लंबाई थोड़ा बड़ा रखिएगा गाइस, क्योंकि इसी में जो है गुलाब जो है वो अटैच होगा। तो इसके बाद गाइस ये बर्फी काटने के बाद इसमें जो है गुलाब लगाया जाएगा। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा बर्फी काट कर रेडी हो चुका है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि सारी जो बर्फी है वो लगभग एक साइज़ की हैं, और इसमें फिर बीच बीच में जो बर्फी लगी हुई है उसमें भी रजनीगंधा लगाया जाएगा। इसके बाद गाइस ये देखिए गाइस, मैंने बोला था गुलाब लगाया जा चुका है। इसके बाद गाइस इसमें जो गेंदा देख रहे हैं, गेंदा से पूरे जो स्टैंड को है वो बॉर्डर किया जाएगा। ये देखिए हमारे जो आर्टिस्ट है वो गेंदा के द्वारा, आप चाहे तो किसी जितना ज़्यादा आप गेंदा लगाएंगे खूबसूरती उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल जो है दुल्हन चादर है, इसलिए इसमें कम लगाया जा रहा है। अब देखिए गाइस, इस जो गुलाब और रजनीगंधा को हैंगिंग करने के लिए इसमें पिन तार की सहायता से रेडी किया जा रहा है। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, लगभग ये 40 से 20 30 तक रेडी करके इसे देखिए रजनीगंधा के में जो बर्फी बनी हुई है उसमें बीच में बांधा जा रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा बनकर रेडी है। तो यदि फ्लावर की बात की जाए तो जो रजनीगंधा है वो लगभग 35 से 40 पीस इस चादर में लगाए गए हैं। गुलाब की बात की जाए तो वो भी 35 से 40 पीस लगाए गए हैं, और गेंदा जो लगाया गया है वो 10 पीस लगाया गया है, क्योंकि ये कम बजट का जो चादर था इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है गाइस। और टाइम की बात की जाए तो आधा घंटा इसमें रेडी करने में, इस पूरे चादर को रेडी करने में लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह देते रहिएगा। धन्यवाद।